नमस्कार, मैं हूं उमेश खंडूरी और आप देख रहे हैं लाइव सेवन। लाइव सेवन के आज इस प्रोग्राम एजुकेशन प्लस प्रोग्राम में टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हमारी सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, और वो है अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन साइबर क्राइम एंड सोशल मीडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अक्सर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। और आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पैनल में हैं सब इंस्पेक्टर वीपी थपलियाल, साइबर क्राइम थाना उत्तराखंड देहरादून। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में हैं एडिफाई वर्ल्ड स्कूल देहरादून के प्रिंसिपल मिस्टर अजय लाल। थैंक यू सर। आज का टॉपिक, नॉर्मली लोग कहते हैं कि उन्हें साइबर के क्राइम के बारे में पता होता है, लेकिन अक्सर लोगों को नहीं पता। हम जानना चाहेंगे मिस्टर थपलियाल से कि असल में साइबर क्राइम है क्या। लोग बात तो बहुत करते हैं साइबर क्राइम की, लेकिन असल में इसकी डेफिनेशन क्या है? साइबर क्राइम बेसिकली वो क्राइम है जहां पर कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क या उसका सहवर्ती कोई भी उपकरण जो है साइबर क्राइम के लिए जो है सोर्स है, टूल है, टारगेट है या प्लेस ऑफ क्राइम है। समझिए एक बात को कि एक मोबाइल फ़ोन है, उस मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो है मैंने एक मैसेज टाइप किया और उस मैसेज पे मैंने आपको सिंपल ये टाइप किया कि आपका जो है अकाउंट बंद होने वाला है, आपका कार्ड ब्लॉक होने वाला है और अगर आपको ये कार्ड खुलवाना है तो आप इस नंबर पे कॉल करिए। मैंने मोबाइल फ़ोन को एक सोर्स और टूल की तरह यूज़ किया, ठीक। अब उसके बाद मैंने आपको एक मैसेज जो है वो एक नेटवर्क के थ्रू भेजा, तो नेटवर्क को भी मैंने क्या किया, एज ए टूल यूज़ किया। और आपका मोबाइल मेरा क्या था, टारगेट, जहां पर आपने उसको रिसीव किया और फिर आपने टैक्स से मुझे जो है अपने कार्ड की डिटेल भेज दी, दैट इज प्लेस ऑफ क्राइम आल्सो। तो बहुत सारे अपराध आज के डेट में जो वर्चुअल वर्ल्ड में हो रहे हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है अवेयरनेस। जितना ज़्यादा हम लोग अवेयर रहेंगे, जितना ज़्यादा हम लोग सतर्क रहेंगे और जितने ज़्यादा हम अपनी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करेंगे, उतना हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं। तो इस अपराध को रोकने के लिए क्या कोई चेक्स हैं, कोई प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, अपार्ट फ्रॉम कि हम लोगों को कहें कि इसे बढ़ावा ना दें, लेकिन क्या क्या साइबर क्राइम थाना इस पर कोई ऐसे कार्य करता है कि ऐसे कोई बात हो ही ना पाए? देखिए, सबसे पहले तो अवेयरनेस ड्राइव, अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हम लोग स्कूल में करते हैं, इंस्टीट्यूट्स में करते हैं, कॉलेजेस में करते हैं और ये हर क्या कहते हैं इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर को टास्क है। हमारी डीआईजी हैं रिद्धिमा अग्रवाल मैडम, उनकी तरफ से सबको टास्क है कि भाई आपको कम से कम इतने तो आपने अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने ही करने हैं। उसके अलावा फिर हम लोग जो है सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं अवेयरनेस को फैलाने के लिए। जैसे हमारा पेज है @cyberthanauttarakhand, तो उसके अंदर हम रोज़ जो है एक क्या कहते हैं अवेयरनेस का कैप्शन जो है वो अपलोड करते हैं। इसके अलावा जो है मैसेजेस के थ्रू भी जो है हम लोग लोगों को अवेयर करते हैं, अलग अलग मैसेजेस भेजते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके बारे में हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके कहने का मतलब है कि यदि इसे रोकना है तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है अवेयरनेस, यदि लोग जागेंगे तभी इस पे रोकथाम। हमारी टैगलाइन ही जो अवेयरनेस ड्राइव की है वो है कि इन वर्चुअल वर्ल्ड ट्रस्ट नथिंग वेरीफाइड एवरीथिंग, ट्रस्ट नथिंग वेरीफाई एवरीथिंग। अगर आप वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर किसी भी चीज़ पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप कहीं ना कहीं किसी साइबर अपराध का विक्टिम बन जाएंगे। एक मैं आपको छोटा सा आंकड़ा बताता हूँ कि पीटीआई की पिछले साल की एक रिपोर्ट है, उसमें भारत का नंबर जो है वो साइबर अपराधों में तीसरा है अकॉर्डिंग टू पीटीआई, और ये थी पिछले साल की। और लेकिन आप जानते हैं छोटा क्राइम जो होता है जो क्या कहते हैं विक्टिम है वो भी रिकॉर्ड उसको रिपोर्ट नहीं करवाता। किसी के 2000 चले गए, किसी के 5000 चले गए, किसी के फेसबुक की आईडी हैक हो गई, ठीक है, कोई और हो गया, कोई शर्मा शर्मी नहीं जाता, कोई ये सोचता है कि मैं अपना टाइम क्यों ख़राब करूं, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट नहीं हो पाते हैं उनके कारण ये जो है हम लोगों का रैंक 3 है। और नहीं तो आप समझ सकते हैं कि जिस हिसाब से हमारी आबादी है, जिस हिसाब से हमारे यहाँ डिजिटल क्या कहते हैं लेन देन का प्रचलन इतनी तेज़ी से बढ़ा है, तो ये संख्या बहुत ज़्यादा है। और इसका रीज़न ये है कि आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में हर एक आदमी जो है वो इस्तेमाल कर रहा है मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और भी बहुत सारे गैजेट्स,
लेकिन जितने भी गैजेट्स और ये सब चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर जो वनरेबिलिटीज़ हैं, उस वनरेबिलिटीज़ के बारे में जो है वो आदमी नहीं सोचता है। अब आप पीछे किससे बात कर रहे हैं आपको नहीं मालूम, बहुत सारे किस्से हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं जो ये बताती हैं कि सिर्फ छोटी सी असावधानी के कारण जो है वो व्यक्ति का पैसा चला गया, जबकि अगर उस चीज़ को पहले वेरीफाई कर लिया होता तो उसका पैसा बच जाता। जैसे एक सज्जन आते हैं और उन सज्जन को जो है वो पेटीएम से एक मैसेज आया कि जी आपकी पेटीएम की केवाईसी जो है वो करनी है। उन्होंने बिना सोचे समझे जो है उसके साथ जो है अपनी डेटा जो है वो शेयर कर दिया। इनफैक्ट सॉफ्टवेयर एक डाउनलोड उसने करवाया और सॉफ्टवेयर के बाद जो है पूरे उसके मोबाइल फ़ोन का एक्सेस ले लिया, और जब मोबाइल फ़ोन का एक्सेस ले लिया तो फिर उसका पेटीएम भी चला सकता है, उसके बैंक अकाउंट को भी एक्सेस कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में हमने आजकल सब चीज़ें सेव की हुई हैं, और वो सेव की हुई हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, आसानी के लिए, और हम लोग लॉग आउट करना भी जो है वो पसंद नहीं करते। तो साइबर क्राइम में अभी तक हमने जो बात की वो बात की कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस की ज़्यादातर हम बात वही करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ साइबर क्राइम इकोनॉमिक ऑफेंसेस तक ही है या ये इससे आगे जाके भी है? जैसे हम देख रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी, सोशल मीडिया की बात करते हैं, तो इस पर बात करने के लिए मैं आपके पास आऊँगा। मैं पूछूँगा क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स भी हैं और टीचर्स भी हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, समाज में सम्मानित लोग हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके के क्राइम में वो अक्सर फंस जाते हैं। तो हम उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि उनकी क्या परेशानी है और वो आपसे क्या क्या चाहते हैं। जैसे कोई मैसेज आता है तो हमें पता कैसे लगेगा कि हम फंस रहे हैं? सही सवाल है इनका कि यदि कोई मैसेज आता है, क्योंकि अक्सर मोबाइल पे मैसेजेस तो आते रहते हैं, कभी वो बैंक से होता है कि अलग तरीके का, कभी दोस्तों का होता है, तो हम कैसे पता लगाएं कि ये क्रिमिनल द्वारा भेजा गया हुआ है? देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि कभी भी कोई भी बैंक आपसे या कोई भी दूसरा आपको अगर मैसेज आता है तो उसमें कभी भी आपको अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करने के लिए नहीं कहा जाता। जहाँ पर वो कहता है कि जी आप अपना कार्ड का नंबर बताइए, 16 डिजिट आप कार्ड नंबर बताइए, फिर पूछता है जी आप CVV बताइए, फिर वो कहता है जी कि मैं वेरीफाई करने के लिए आपको एक कोड भेज रहा हूँ, वो कोड बेसिकली क्या होता है, OTP होता है, OTP बताइए। तो जैसे भी आप अपनी ये डिटेल शेयर करते हैं तो सिंपली आपका सारा पैसा जो है वो निकल जाता है। तो कभी भी अपनी जो डिटेल्स हैं वो कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, और बैंक कभी नहीं पूछता है आपसे कि आप अपना जो है OTP बताइए आपसे, हो सकता है, और वो भी आप ये देखिए कि आप जितने भी नंबर्स जब आप सर्च कर रहे होते हैं, तो मैं हमारे पास जो आजकल जो स्टडी आई है हमने देखा कि गूगल में बहुत सारे नंबर फेक, क्योंकि गूगल एक ओपन सोर्स है, तो गूगल में फ्रॉडस्टर क्या करते हैं कि उस सर्विस के नाम पर अपना नंबर जो है वो वहाँ पर अपलोड कर देते हैं। अब जब हम लोग सर्च कर रहे होते हैं तो हम लोग को वो नंबर जैसे ही दिखाई देता है हम लोग बिना सोचे समझे उसमें उसको डायल कर देते हैं, तो डायल करने के बाद बेसिकली हम लोग फिशिंग कॉल के अंदर जो है हम लोग ट्रैप हो गए। अब वहाँ से वो, क्योंकि आपने उसको कॉल किया है, तो जब आपने उसको कॉल किया है तो अब वो आपको उस पे एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देगा, आपसे इन्फॉर्मेशन लेगा, और इन्फॉर्मेशन जैसे ही आपकी उसको पास ऑन हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन को जो है वो यूज़ कर करके आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेगा, या और भी उसके कुछ और भी चीज़ें उसमें हो सकती हैं जो कि उसको पता चल जाएगी। तो इसका यदि मैं एक शब्द में कहूँ तो कोई भी डिटेल सोशल मीडिया पे, यानी कि यदि मैसेजेस भी आते हैं मोबाइल पे, तो उसको शेयर ना किया जाए, ये सबसे बड़ी बात है। शेयरिंग फोन पे अलाउड ही नहीं होनी चाहिए। पर्सनल डिटेल आप अपनी जो है वो किसी भी अननोन के साथ, जब तक कि आप पूरी तरह से वेरीफाई ना कर लें कि ये आप सही जगह दे रहे हैं, और सही जगह देने के बाद भी जो है आपसे OTP कभी कोई नहीं पूछेगा। दूसरी चीज़, अगर वो आपसे कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कहता है, आपको मैसेज पे आता है कि आप जो है TeamViewer डाउनलोड कर लीजिए, Xdanger डाउनलोड कर लीजिए, या कोई और इस तरह से स्क्रीन मिररिंग या रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, तो आप समझ जाइए कि आपको जो है वो झांसे में लेकर के जो है ठगने की तैयारी है। तो ये सबसे बड़ा आपको ध्यान रखना है कि अपनी इन्फॉर्मेशन कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी, और जेन्युइन आदमी जो है वो कभी भी आपसे आपका OTP नहीं मांगेगा, बहुत लिमिटेड आपकी जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी मांगते हैं।
कंप्लेंट होगी। तो मैं अभी लोगों से यहाँ पूछूंगा कि यदि ऐसी परेशानियाँ आती हैं, ऐसे फ्रॉड्स होते हैं, और क्या उनकी कंप्लेंट्स पे एक्शन लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, उन्हें क्या परेशानी आती हैं। मैं खाली ये जानना चाहता हूँ, जब हम लोग कभी भी कोई मतलब सिम वगैरह अपना जो लेते हैं और उसके लिए आधार कार्ड वगैरह हम अपना देते हैं, अपनी पूरी आईडी उसको हम देते हैं, थोड़े दिनों बाद हमारे पास दूसरी किसी और कंपनी से फ़ोन आता है कि आपका जो है ये नंबर है इस तरह से है, तो ये जो डेटा उनके पास चले जाता है, तो इसके लिए क्या रोक कर रहे हैं आप लोग। जब भी जो है हम किसी को भी अपनी आइडेंटिटी देते हैं, चाहे वो फोटोकॉपी दे रहे हैं या हम व्हाट्सएप से भेज रहे हैं, पहले तो ये कोशिश करिए कि उसको फोटोकॉपी दें। फोटोकॉपी देने के बाद आप उस पर क्रॉस करके लिखिए कि आपने किस चीज़ के लिए दिया है। मैं समझ गया आपकी बात को। आप वहाँ से आपको ये पता चलेगा कि ये आपने किस चीज़ के लिए दिया था। अब दूसरी चीज़ कि अगर आपका आपकी आइडेंटिटी से किसी ने दूसरा सिम भेज दिया, आइडेंटिटी थेफ्ट का आप उसमें केस आप दर्ज करवा सकते हैं। और आपको मैं बताऊं पिछले तो आपको तो कंप्लेन करवानी पड़ेगी ना। कहाँ करवाई आप, आपने कहाँ करवाई? नहीं, 100 नंबर नहीं 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 100 नंबर पे बोलने से नहीं होगा ना, आपको 100 नंबर पे बोलने से नहीं होगा। आपको लिखित में लेकर के वो कंप्लेंट जो है आपके साइबर सेल में जानी पड़ेगी, या आपका अगर आइडेंटिटी थेफ्ट हुआ है, आपकी पहचान चोरी की गई है, तो उसके लिए फिर जैसे मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, ठीक है, आपको आपके कंक्रीट इन्फॉर्मेशन के साथ आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, आपको एविडेंसेस के साथ जाना पड़ेगा। कई लोग ऐसे आते हैं कि मुझे लग रहा है कि मेरा वहाँ चल रहा है, तो लग रहा से नहीं होगा, समझ रहे बात को, कहाँ चल रहा है, किसने आपको इस्तेमाल किया, कौन आपको बता रहा है, वो चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप लोग एप्लीकेशंस वगैरह डाउनलोड करते हैं, आपने देखा हम लोग एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, जब हम लोग अनट्रस्टेड सोर्स से एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, तो वो पहले ही आपसे एग्रीमेंट साइन करवा लेता है, आई एग्री करके, कि वो आपका जो है कॉन्टैक्ट यूज़ कर सकता है, आपकी गैलरी यूज़ कर सकता है, आपका डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकता है, हर चीज़ आपका स्टोरेज यूज़ कर सकता है। तो जब आपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ की है, तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको जो भी आपके स्टोरेज में है उसको जो है परमिशन दे दी है। तो अगर उसने आपको एक एप्लीकेशन दिया है जिसको कि आप यूज़ कर रहे हो फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं आपने उसको परमिशन दी है। तो ये कोशिश की जाए कि अपनी जितनी भी निजी चीज़ें हैं वो कम से कम जो है इस प्रकार की प्लेटफॉर्म पे रखी जाएं, जहाँ से जो है इजीली एक्सेसिबल है। अब सपोज मैं एक कॉलिंग ऐप की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक कॉलिंग ऐप की बात कर रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा मैं। जब आप उस कॉलिंग ऐप को डाउनलोड करते हैं या उस मैसेजिंग ऐप को डाउनलोड करता है, तो वो आपके सबसे सारी परमिशन मांगता है। दैट एप्लीकेशन कैन एक्सेस योर गैलरी, दैट कैन एक्सेस योर कैमरा, दैट कैन एक्सेस योर माइक्रोफोन, जो भी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ वो एक्सेस कर सकता है। अब उसी के कारण तो वो एप्लीकेशन फ्री में आपको मिल रही है डेटा शेयर करने, क्योंकि आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, डेटा। और जब आपने थर्ड पार्टी डेटा उसको यूज़ करने की एप्लीकेशन उसको परमिशन दी है, तो फिर तो डेटा कहीं ना कहीं चोरी होगा ही। तो लेकिन जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पर आपका डेटा चोरी हुआ है, आपने देखा होगा अभी एक कुछ दिनों पहले एक जॉब साइट के स्कैम का खुलासा हुआ था, उसमें यही हुआ था कि जो एक कंपनी थी वो उसमें एक बंदा था अंदर जो उसके सर्वर पर डेटा आता था, वो तो उन लोगों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया, उनको पकड़ा, उनको जेल भेजा। तो जहाँ पर आपको लगता है कि इस तरह की कोई आपको है, तो आप उसको बिल्कुल रिपोर्ट करिए। ये तो बात थी अभी तक इकोनॉमिक ऑफेंसेस की या डेटा चोरी की जो बात आती है, लेकिन इसके अलावा भी सोशल मीडिया पे और भी कई क्राइम हो रहे हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो कि सोचने वाला है वो है द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन वाला। क्या ऐसे केसेस आते हैं और क्या क्या आप कहेंगे लोगों को उस पर रोकथाम करने के लिए, क्या प्रिकॉशंस ले लीजिए? देखिए, सोशल मीडिया जब से आया है तब से एक अपराध की नई श्रेणी स्टार्ट हो गई, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
एक जगह किसी ने किसी को बदनाम करने के लिए उसका एक फ़ोटो निकाला, फ़ोटो निकाला, फ़ोटो निकालने के बाद जो है वो उसको एडिट करवाया कहीं जा करके लैब में, और उसके बाद जो है वो चिपका दिया। ठीक है, उस टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं थी, तो कुछ दिनों के बाद वो पकड़ा गया, सब चीज़ें उसको बरामद हो गई। उसको बड़ी मेहनत लगी ये सब कुछ करने में। ठीक है, अब ये केस ऐसा आता है कि जिसमें एक किसी की फ़ोटो को जो है उसी के जानने वाले ने जो है सोशल मीडिया से उठाया, और उसके बाद जो है वो उसको एडिट किया, एडिटिंग के लिए भी सॉफ्टवेयर सब वहीं अवेलेबल है, और उसके बाद उसी सोशल मीडिया पर उसको पोस्ट कर दिया। ठीक है, वहाँ पर उसकी मेहनत कुछ नहीं लगी, वो भी पकड़ा गया। लेकिन वहाँ पर एक घेरा था जहाँ तक ये बातें फैली थी, ये सोशल मीडिया जो है, मैंने कहा इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है। तो सबसे पहले तो मैंने जैसे कहा कि भाई जब भी सोशल मीडिया के ऊपर हम जाते हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी अपनी कोई भी प्रोफाइल हम लोग बनाते हैं, तो वहाँ पर सीधा सीधा जब भी हम उसको प्रोफाइल बनाते हैं, बनाने के बाद जब हम भी किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो उसमें यही होता है कि अगर आप जानते हैं तो ही आप इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। अनजान लोगों के साथ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर दोस्ती ना करिए। पता नहीं कौन है, पीछे क्या है। कई सारे केसेस ऐसे आए हैं कि जिसमें कुछ गैंग्स थे जो लोगों की डिजिटल प्रोफाइलिंग करके उनके बारे में, क्योंकि सारी जानकारी जो है वहाँ उपलब्ध है, और फिर उनसे दोस्ती करके लड़का लड़की के नाम पे, लड़की लड़के के नाम पे, कुछ भी हो सकता है, तो बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं। और उसके बाद जो है फिर किडनैपिंग और भी जो है बहुत सारे इस तरह के अपराध अंजाम हुए। तो सबसे पहले जो सोशल मीडिया के ऊपर हम बताते हैं कि भाई सोशल मीडिया के ऊपर सबसे पहले अपनी प्राइवेसी को आप जो है वो रिस्पेक्ट करें। अब हम अपने घर में तो किसी को भी नहीं घुसने देते ना, घुसने देते हम, ताला लगा के आते हैं, और कोई झांक भी रहा होता तो उसे डपट देते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, एक्सेप्ट भी सोशल मीडिया के माध्यम से जो है लोग जो है वो डिजिटल प्रोफाइलिंग करते हैं, और प्रोफाइलिंग करने के बाद जो है फिर क्या करते हैं, उनके दोस्तों को रिक्वेस्ट भेजते हैं कि मैं कहीं फंस गया हूँ, पैसे डलवा दो। बहुत सारे किस्से आजकल ऐसे आ रहे हैं, फेसबुक का या और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो हमने अपनी आईडी बनाई है, उस आईडी का पासवर्ड ही हमको नहीं मालूम, हम लोग चेंज ही नहीं करते उसको। हमने उसके अंदर ये, जिसने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया है, चाहे वो फेसबुक हो चाहे कोई और हो, उसने उसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप अपनी प्राइवेसी को मेंटेन कर सको। आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप सिस्टम में उसको यूज़ नहीं करते हैं, आपने ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट असाइन नहीं किए हुए हैं, आपने लेगेसी कॉन्टैक्ट नहीं असाइन किया हुआ है, और फिर किसी का भी आपको मैसेंजर पे मैसेज आया कि मैं फंस गया हूँ या कोई बीमार है उसके नाम पे पैसे जमा करवा दो, तो वो पैसे जमा करवा दिए। और फिर जब हम अनजान लोगों से दोस्ती करते हैं तो फिर वो वाली बातें जो कि एक तरह से किसी को डिफेम करने के लिए या उसको एक्सट्रॉट करने के लिए, एक्सट्रॉशन के लिए जो है उसकी फ़ोटो को एडिट कर देना, और फिर ये फिर काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं। हाँ, तो इसमें बहुत सारे, जिसमें रिपोर्ट्स होती हैं, रिपोर्ट्स होने के बाद हम लोगों ने बहुत सारे केसेस वर्कआउट किए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर अपनी प्राइवेसी मेंटेन की जाए तो हम बहुत हद तक इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो बचना है, प्रिकॉशंस लेना, यदि आपने प्रिकॉशन ले लिया है तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं मैक्सिमम प्रॉब्लम से बच सकते हैं। वेरिफिकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे पूछते हैं कि कितनी वेरिफिकेशन पे वो लोग ध्यान देते हैं जब वो सोशल पे रहते हैं। गुड इवनिंग सर, लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, जैसे आजकल अभी ब्लू व्हेल गेम चला था बहुत ज़्यादा, एंड आजकल बच्चे पबजी वगैरह भी खेल रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इससे बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड भी किया, एंड पबजी खेलते में बच्चे इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं कि मना करने पर अपने फैमिली मेंबर्स को भी हार्म कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि हम कैसे अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रख सकते, या हम बीइंग अ पेरेंट्स हम क्या चीज़ मेथड अप्लाई करें ताकि बच्चे इन चीज़ों से दूर रहें, कोई सेफ्टी मेजर्स हो या कुछ इस तरीके का, आप बताइए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, आप कितना यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन को? बच्चा कहाँ से सीखता है? देखिए, कोई भी
गैजेट जो है वो तब तक ठीक है जब तक उसका सदुपयोग हो रहा है, ठीक है, और जहाँ पर उसका उपयोग से ज़्यादा उपयोग होना शुरू हो जाता है, उसकी सीमा से ज़्यादा उपयोग होना शुरू हो जाता है, वहाँ पर दुरुपयोग हो गया। ब्लू व्हेल, अब तो ब्लू व्हेल के केसेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। पबजी की जो आप बात कर रहे हैं, हाँ, और भी बहुत सारे गेम्स हैं, सिर्फ ये नहीं है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आजकल अब ये एक समय का आप परिवर्तन समझ लीजिए कि लोगों के पास समय की बड़ी कमी है, और जब समय नहीं है तो समय में वो बच्चे को मोबाइल फ़ोन दे दिया कि भाई चल तू भी जो है इसमें करता रहे और मैं भी जो है व्हाट्सएप पे करता रहूँ। तो ये अगर बच्चों को आपको लगता है कि भाई वो बहुत ज़्यादा उसकी तरफ हो रहे हैं तो आप उनसे बात करिए। देखिए, जितना समय आप बच्चों को देंगे, बच्चे जो हैं वो फिर आपकी तरफ को वापस आना शुरू हो जाएंगे, और नहीं तो अगर आप भी मोबाइल फ़ोन पे बिजी हैं तो बच्चे भी बिजी हैं। तो मेनली ये परेशानी है हैबिट की, बच्चों को वही हैबिट लगती है जो वो लोगों से देखता है, सीखता है, उसमें माँ बाप भी हैं। मैं प्रिंसिपल मिस्टर अजय लाल जी से बात करना चाहूँगा, इनसे पूछूंगा कि बीइंग द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, क्या आपके पास भी ऐसे केसेस आते हैं या आपको लगा है कि कभी साइबर क्राइम बहुत ही बच्चों पर हावी होता जा रहा है, और क्या क्या सॉल्यूशंस आपको दिखे होंगे? जी हाँ, ये साइबर क्राइम खासकर अब तो खैर सभी बच्चों में आने लगा है, लेकिन हाई स्कूल में काफ़ी हद तक बढ़ गया है। और जैसे आप कह रहे थे कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, इसमें एक दो केसेस मेरे सामने भी आए थे। लकली हम लोगों ने एकदम से एक्शन लिया, तो वो जो बच्चे इस तरह की गलत हरकतें कर रहे थे वो एकदम टाइम से पकड़े गए और उनको सुधारा भी गया, उनको समझाया भी गया कि वो किस तरह की गलती कर रहे हैं और आगे से ना करें। तो बीइंग द प्रिंसिपल, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या एक साइकोलॉजी ऐसी होती है कि द अट्रैक्शन टूवर्ड्स द सोशल मीडिया, या ये लोगों के द्वारा फंसाने की कोई एक साजिश के तौर पे होते हैं, ये बच्चे फंसते हैं? देखिए, इंस्पेक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि जो ग्रीड होता है, जो लालच होता है, वो सबसे बड़ा होता है। और जब बच्चे छोटे होते हैं और उन्हें अपने माँ बाप से वो दूर रहते हैं ना, उनसे कोई ऐसी खुल करके कोई बात नहीं कह पाते, तब वो करते क्या है कि गूगल में सर्च करेंगे, और जब गूगल में वो गलत चीज़ें सर्च करेंगे तो आप ये देखेंगे जितना वो गलत करेंगे उतना उनके पास और ऐसे स्क्रीन आ जाएंगे गूगल पे जो कि उन्हें सजेस्ट करेगा कि आप ये भी देखो और वो भी देखो। और बच्चे अगर इसमें अवेयर नहीं होते तो वो इस झांसे में फंस जाते हैं। तो ये एक ऐसी बात है जबकि पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए, और हम लोग एज टीचर्स हम लोगों को समझाना चाहिए अपने बच्चों को, जो दिल की बात है वो खुल के कहे। तो मुझे जो लग रहा है वो शायद कम्युनिकेशन की बात आपने कही है कि जितना बच्चों के साथ कम्युनिकेट करेंगे या आपस में भी सोसाइटी में जब कम्युनिकेशन बढ़ेगा, जिसको कहते हैं फिजिकल कम्युनिकेशन, तो ये वर्चुअल क्राइम कम होता जाए। आज क्या है, हर बच्चा जो है वो सोशल मीडिया पर है, ठीक है। अब जब सोशल मीडिया अकाउंट पेरेंट्स बना रहे हैं, उनका सबसे बड़ी बात क्या है भाई, सोशल मीडिया अकाउंट्स अगर पेरेंट्स ही उसका खोल के दे रहे हैं, बच्चा 13 साल का भी नहीं है जो कि नॉर्म्स भी आर के हैं देखा जाए तो, वहाँ पर भी यह है कि अब 13 साल से कम के बच्चे का आप जो है आप क्यों उसका सोशल मीडिया अकाउंट खोल रहे हैं? जैसे ही आपने उसका सोशल मीडिया अकाउंट खोलना शुरू किया, वो जो है वर्चुअल वर्ल्ड में कनेक्टेड हो गया। अब वहाँ तक तो आपका उस पर एक कंट्रोल था, लेकिन अब वो मोबाइल में क्या देख रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि भाई जब भी आप उसको मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं, पहले आप देखिए कि उसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उसकी नेसेसिटी है या नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, जब आप दे भी रहे हैं तो उसके अंदर जो भी कंटेंट डाउनलोड हो रहा है उससे पहले आप उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, पेरेंटल कंट्रोल आप लगाइए। बच्चा जो है कोई चीज़ देख रहा है, अब आपने देखा कि आप वो एक चीज़ देखा उस तरह, जैसे प्रिंसिपल साहब ने बताया, वो सजेस्ट कर देता है उसको दूसरी चीज़ के लिए, तो आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अच्छा अगर बच्चा मोबाइल में ही भी बिजी है तो फिर वो धीरे धीरे करके आपको जो है उसको और दूसरी हॉबीज़ हैं उनकी तरफ को डाइवर्ट करना पड़ेगा। और अगर आप एक झटके से भी खींच लेंगे तो फिर वो वही वाली बात है कि फिर वो चिड़चिड़ापन और वो सब चीज़ें हो जाएंगी। तो धीरे धीरे करके जो है उनको आप जो है आप मोल्ड करना स्टार्ट करिए, अगर यहाँ तक पहुँच गया है। और जो अभी तक नहीं दे रहे हैं बच्चे को मोबाइल फ़ोन, तो आप जो है उनको मोबाइल फ़ोन अगर नहीं देंगे तो वो इससे बचे रहेंगे, अगर देंगे, देना बहुत ज़रूरी है, तो फिर आप उन सब चीज़ों को एक बार चेक करिए, उसमें पेरेंटल कंट्रोल्स लगाइए, उसको जो है समय समय पर मॉनिटर करिए। अगर बच्चे की आदतें बदल रही हैं
तो आप देखिए कि भाई ये बच्चा जो है वो क्यों इसके चेंजेस बिहेवियर चेंजेस आ रहे हैं, मतलब साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पहले सेल्फ कंट्रोल लाना होगा बच्चों के ऊपर भी और पेरेंट्स को खुद भी। जी सर, मेरा क्वेश्चन इस एक्सप्लॉयटेशन को लेकर है। मान लीजिए मैंने एक सिक्योरिटी लगा रखी थी कि ओनली मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मेरे पिक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ कि उस बंदे ने उसका बिहेवियर बदल गया, अब वो मेरा फ्रेंड नहीं है, और अगर मैं उसको ब्लॉक करना चाह रही हूँ तो मुझे धमका रहा है कि अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हें डीफेम कर दूँगा, समथिंग लाइक दैट। इस केस में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको जिस भी क्या कहते हैं प्रोफाइल से आपको मैसेज आ रहा है, सबसे पहले उस प्रोफाइल का हमको आप URL स्क्रीनशॉट उसका आप लीजिए। स्क्रीनशॉट जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए बताता हूँ मैं कि जहाँ पर क्या कहते हैं सर्च बार होता है ऊपर आप www टाइप करते हैं facebook/, वो जो है जो उसका प्रोफाइल, जब आप जाएंगे उसके प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे तो वो उसका URL जो है वो क्लियर आ जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट चाहिए। फिर वो मैसेजेस जो हैं जो उसने मैसेजेस जो आपको किए हैं उनका स्क्रीनशॉट विद डेट एंड टाइम चाहिए, और डेट और टाइम के साथ वो जो चीज़ें हैं उसके साथ मैंने आपको बताया, आप आकर के चाहें तो आप चाहें तो आकर के जो है वो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करा सकते हैं या ऑनलाइन भी जो है आप उसको रिपोर्ट करा सकते हैं cybercrime.gov.in। इसमें नहीं, cybercrime.gov.in ठीक है, आप उसमें जो है ऑनलाइन जो है रिपोर्ट करा सकते हैं। और कभी भी इस प्रकार के सोशल मीडिया के ऊपर कभी भी कोई क्राइम होता है, आपको कोई मैसेज आता है, तो ये नहीं है कि मैसेज डिलीट कर दिया, उसको सेव, फर्स्ट थिंग इज सेव द एविडेंस। एविडेंस को अगर आप सेव करेंगे और उसके बाद जो है उस एविडेंस को लेकर के आइए साथ में विद योर एप्लीकेशन, और उसके ऊपर कार्रवाई होती है। बहुत सारे केसेस हैं उनके ऊपर कार्रवाई हुई हैं, अभी भी जो है क्या कहते हैं बहुत सारे अंडर इंक्वायरी अंडर इन्वेस्टिगेशन है केसेस, तो जो भी ऐसा करता है तो उसको डेफिनेटली उसको पकड़ा जाता है। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, आजकल जैसे सोशल साइट्स पे कुछ आपने पेजेस देखे होंगे कि किसी की फ़ोटो डाल देते हैं कि इसको कैंसर हो रहा है, इसको इतनी ज़रूरत है, या ये गरीब है, इसको अगर आप लाइक करोगे तो 1 rupees पर शेयर या 2 rupees पर लाइक, मतलब इस तरह से वो डाल देते हैं, क्या ये ट्रू है? इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जिसने आपको मैसेज किया है उसको आप मैसेज करिए वापस कि क्या आप कन्फर्म हो, या आपके पास भी मैसेज ये ऐसे ही आ गया फॉरवर्ड होकर के, ठीक है। हम लोग सब लोग साइबर क्राइम का विक्टिम होते हैं, जानते हैं क्या कैसे, सब लोग दानवीर बनते हैं उसमें, चाहे घर को नमस्ते करें ना करें, फेसबुक पे सुबह नमस्ते जरूर करनी है, व्हाट्सएप पे जरूर करनी है, करिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब भी हम किसी मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, किसी भी मैसेज को लाइक करते हैं या किसी भी मैसेज को शेयर करते हैं, तो पहले ये वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है कि वो मैसेज जेन्युइन है भी या नहीं, और अगर नहीं है तो वो वेरिफिकेशन का मैंने आपको तरीका ये बताया कि जिसने आपको भेजा है उससे पूछो, भैया ये बताओ कि ये आपको कन्फर्म है कि ये बच्चा मिसिंग है। अब देखिए, आपने देखा होगा बीच में कई बहुत सारी घटनाएँ टीवी पे भी आई मॉब लिंचिंग से संबंधित, लोगों ने जो है वो कुछ लोगों के बारे में मैसेज डाल दिए कि साहब ये बच्चा पकड़ने वाले हैं ये हैं, और भीड़ ने जो है उनको उनके साथ अभद्रता की कई पर और अनहोनी घटना भी हुई, तो बाद में पता चला कि ये लोग ऐसे थे ही नहीं। आप सोचिए ना कि बिना सोचे समझे हम कर रहे हैं, और अगर उसके कारण कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात हो जाती है या कोई और दिक्कत हो जाती है या किसी की मानहानि आप कर देते हैं, कोई किसी के बारे में मैसेज फैला दे रहा है कि ये आदमी तो ऐसे कर रहा था, ठीक है, आपने बिना सोचे समझे 4 लोगों को भेज दिया, अब एक आदमी जो है वो सच भी बोल सकता है झूठ भी बोल सकता है। बात वही घूम फिर के आती है अवेयरनेस की, अवेयरनेस कि हम कितने अवेयर हैं इस पूरे घटनाक्रम से। जो भी हमारे पास शेयर आता है, जैसे उन्होंने कहा कि यदि आपके पास कोई शेयर आता है और उसे कहते हैं कि उसमें किसी को मदद की ज़रूरत है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, तो उस पर पहले जाने पहचाने और उसके बाद उस पर एक्शन लें। एक और है जो कि इसी से क्राइम से कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर जो भी क्राइम बढ़ रहे हैं ना, ये बढ़ रहे हैं मोबाइल से, और मोबाइल चलते सिम से,
लेकिन जो है सिम डिस्ट्रीब्यूटर है या कंपनी कोई भी है, हमसे तो डाटा लेते हैं, आधार कार्ड दो, फोटो दो, लेकिन जो फ्रॉड कॉलर होते हैं उनसे ये डाटा लेते या नहीं लेते हैं, ये इनको सिम कहाँ से मिलता है? जैसे आज फ्रॉड कॉल आ जाते हैं, हमको कॉल करते भाई ऐसा ऐसा है, तुम्हारा पैसा है, ये है, हम जब पैसे उनको मिलता है तो वो सिम तोड़ देते, फेंक देते, इसका रिकॉर्ड पुलिस के पास है या नहीं है, या इसके बारे में आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है या आप डाटा रखते हो? या उनका बड़ा सिंपल सा सवाल, उनका कहने का मतलब ये है कि जहाँ से कॉल आता है जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनको वो सिम कहाँ से मिलता है? जो फ्रॉडस्टर है वो हर जगह फ्रॉड कर रहा है, वो कुछ फेक सिम अरेंज कर रहा है कहीं पर, जो है अगर डिस्ट्रीब्यूटर मिला हुआ होता तो वहाँ पर उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है, करी भी है, बहुत जगह करी है। हाँ, लेकिन होता क्या है इसमें, होता क्या है कि कई जो है केसेस के अंदर जहाँ पर किसी व्यक्ति का ही सिम जो है जो इस्तेमाल किया हुआ है उसी को नहीं मालूम कि उसका सिम जो है वो इस्तेमाल हो गया है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर डिस्ट्रीब्यूटर की गलती है तो वहाँ पर फिर उसके खिलाफ जो भी है कार्रवाई लीगल वो होती है। लेकिन कई बार ये जो है चालाकी से दूसरे लोगों का जो है वो सिम प्राप्त कर लेते हैं, मोबाइल फ़ोन प्राप्त कर लेते हैं, बैंक अकाउंट प्राप्त कर लेते हैं। अब गरीब आदमी है उसके पास पहुंच गए कि जी तुम्हारे पैसे आने हैं करके, ठीक है, तुम्हारे पैसे आने हैं, तुमको इतना पैसा दे दे रहे हैं। अब वो गरीब आदमी है, उसको इतना उसको ज्ञान भी नहीं है, तो वो इनके झांसे में आ जाता है। तो इस तरीके की भी कई घटनाएँ होती हैं, लेकिन जहाँ पर अपराधी इस तरह का अपराध करता है तो कुछ ना कुछ वो क्लू छोड़ता है और उसके ऊपर काम होता है। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे दो फ्रेंड्स हैं, वो लाइक वो एक रिलेशनशिप में है, ठीक है, उसके बाद उनकी लड़ाई हो जाती है और उनके कुछ प्राइवेट फ़ोटोग्राफ्स होते हैं, तो अगला बॉय आके गर्ल को वो थ्रेट करता है कि इफ़ तुमने मुझे डंप किया तो मैं ये सब कुछ वायरल कर दूंगा एंड मैं तुम्हारे घर पे आके सब कुछ बता दूंगा और जो भी है तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो ऐसे ही सिचुएशंस में कैसा क्या है सलूशन? देखिए, जब हम साइबर क्राइम के प्रोफाइल, क्रिमिनल्स के प्रोफाइल की बात करते हैं तो इस तरीके के भी एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और एक्स डाइवोर्सी हस्बैंड वाइफ, ये भी एक प्रोफाइल है क्रिमिनल्स का, साइबर क्रिमिनल्स का। जो आपने कहा एग्जैक्टली वही वो करते हैं कि जो है वो फोटोग्राफ जो है अपलोड कर दिए। तो फिर मैं यही बात कहूँगा कि अपनी प्राइवेसी को सबसे ज़्यादा सम्मान करना आवश्यक है। देखिए, केस लिखा जाते हैं, बहुत सारे केस हैं वर्कआउट हो गए, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, कई ऐसे हैं जो इन्वेस्टिगेशन में हैं, कई ऐसे हैं जिनके लोग रिपोर्ट नहीं कराते हैं, कई ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट कराते हैं। तो जहाँ पर रिपोर्ट होगा और क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन उसमें होगा तो वो तो सब कुछ प्रूफ हो जाता है, यानी कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई करेगी, लेकिन घूम फिर के बात वही आती है लेकिन कि अपनी प्राइवेसी को बचा के रख, मेरे को अपना फोटो कितना खिंचवाना है, कैसे खिंचवाना है, exactly. किस सिचुएशन में मुझे खिंचवाना है, तो ये बहुत जरूरी है कि इस चीज को आप मतलब रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी, रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी। ग्रीड जहाँ पे आएगा, यानी कि अपनी सीमाओं से जब हम बाहर जाएंगे तो ये परेशानी शुरू होगी। पुलिस अपना काम करेगी, साइबर क्राइम थाना अपना काम करेगा, लेकिन बात फिर वहीं पे आती है कि हम कितने अवेयर हैं। आर वी अवेयर अबाउट दिस सिचुएशन? क्या हम पहले से ही प्रिकॉशन लेके चलते हैं? और यदि इस परेशानी में फंसते हैं तो क्या हम हिम्मत रखते हैं इन चीज़ों की कंप्लेंट करने की? हम और भी बातें करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि क्या है उनकी परेशानियाँ। सर, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी मीशो ऐप से, तो उन्होंने जैसे उसमें ऐसा होता है कि पहले आपको साइट से कॉल आएगा, फिर वो कुछ लिंक देंगे कि आपसे पर्सनल कोई पूछेगा, एड्रेसेस पूछेगा। तो सूट ऑर्डर किया था उन्होंने लगभग 2200 रुपीज़ का, तो इस तरह उनको कई लोगों से बात करनी पड़ी, तो उनको थोड़ा ट्रस्ट हुआ कि ठीक है, चलो ये अच्छा है, मैं मंगा लेती हूँ। मंगा लिया, सब कुछ हो गया, फिर वो उनको नहीं पसंद आया, एग्जैक्ट वैसा नहीं था। तो जब उसको रिटर्न करने की बात थी, उन्होंने कहा हाँ रिटर्न भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, कैशबैक भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। लेकिन वो अब कोई लिंक जो इतना लंबा प्रोसेस था वो अब कहीं से कहीं तक भी एक्टिव नहीं हो रहा है। देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड बहुत सारे फेक जो है वो वेब पोर्टल्स हैं, शॉपिंग साइट्स हैं। तो देखिए, जो ट्रस्टेड साइट्स हैं ना, आपको उसी से लेना है। लेकिन पता कैसे चलेगा ये ट्रस्टेड साइट है या फेक साइट? हाँ, ये चीज़ देखिए बहुत एक कॉमन सी चीज़ है कि जहाँ पर आपको बहुत
महंगा माल बड़ा सस्ता मिल रहा हो, समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है। समझ गए आप? पहली तो पहचान ये है कि अगर 100 रुपये की माल 20 रुपये में मिल रही है तो भैया कैसे मिल रहा है, सोचने वाली बात है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो भी आजकल जो अच्छी रेपुटेटेड साइट्स हैं उसमें आप देखेंगे कि कैश ऑन डिलीवरी का या ईएमआई का ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो फेक साइट्स होंगी उसके अंदर या तो आपको पहले पैसा देना होगा या फिर वो दिखाएगा कि डॉलर को कन्वर्ट करना है इसमें। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, कॉमन सेंस है। अच्छा, उसकी रिपोर्ट कराइए, उसकी तो रिपोर्ट कराइए आप, अगर अगर आपको लगता है। क्योंकि देखिए ऐसा है कि जो ऑनलाइन वेब ये ऑनलाइन परचेजिंग और सेलिंग जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाते हैं, इनका एक सीधा इनका डिस्क्लेमर होता है कि जो बेच रहा है और जो खरीद रहा है वो उसकी आपस की वो है, हमारा हम लोग सिर्फ जो है आपको वो क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो वो चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार जो है उसको पूरी तरह से वेरीफाई करें, ठीक है। और मैं ये कहता हूँ कि ट्रस्टेड साइट से ख़रीदें, क्योंकि बहुत सारे किस्से ऐसे होते हैं आजकल ऑनलाइन बहुत सारी लोग चीज़ें परचेज करते हैं तो कई बार रिटर्न भी हुआ है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन हाँ फिर जा करके लालच में आदमी जो है वो फेक वेबसाइट्स में फंस जाता है और वहाँ पर फिर उसका पैसा वापस होने के चांसेस बड़े कम होते हैं। ऐसे केसेस के अंदर फिर मैंने वही कहा, वेबसाइट का यूआरएल लीजिए, उसके जितने भी ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं वो लीजिए, उसके टेलीफोन नंबर्स होंगे, उसके मोबाइल नंबर होंगे वो लीजिए, उन सब के साथ जो है आप कंप्लेंट कराइए। कंप्लेंट कराने के बाद जो है एक्शन होता है, उनको बंद करवाया जाता है और फिर जैसा आप आगे लीगल प्रोसेस जो भी कार्रवाई आप करते हैं वो उसमें आगे की जाती है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप जो है जब भी आप अपना मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप या डेस्कटॉप आप ऑन करते हैं उसे आप लॉग ऑफ ज़रूर करिए। मोबाइल का जो डेटा होता है वो जो है आप एक बार शाम को या रात को बंद ज़रूर करिए। दूसरी चीज़, जितनी भी आपकी फालतू की एप्लीकेशंस हैं जिन एप्लीकेशंस का कोई लेना देना नहीं है उनको आप डिलीट करिए, ठीक है। कोशिश ये करिए कि जिस बैंक में आपका जो नंबर है वो नंबर आपका आइसोलेटेड रहे, वो नंबर आप हर जगह ना दें, जो बैंक में नंबर दिया है वो हर जगह ना दें। और कोशिश करिए कि अगर हो सकता है उसके लिए छोटा सा फ़ोन रखिए ताकि जो हमारा ये जो अपने आप ओटीपी जो ले लेता है ये ओटीपी जो है आपका अपने आप ना जाए। अब समझ रहे हैं अपने आप कैसे ओटीपी है, आपने किसी भी चीज़ का ओटीपी है आपको डालने की जरूरत नहीं है, ओटीपी वो अपने आप ही पढ़ लेगा क्योंकि आपने क्या दे रखा उसको परमिशन दे रखी है एसएमएस पढ़ने की। तो अगर वो आपका एसएमएस पढ़ सकता है तो दूसरा नहीं पढ़ सकता, छोटी सी सोचने वाली बात है। फिर हम कहते हैं कि आप डेटा चला गया, आपका जवाब इसमें भी है ना, आपके इस क्वेश्चन का जवाब इसमें भी है। फिर जो है अपनी जितनी भी निजी जानकारियां हैं, मैं कहाँ रहता हूँ, फेसबुक के अंदर या और भी कोई भी आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें आपकी कोई भी जानकारी जो निजी है उस निजी को ओनली मी कर दीजिए। आपकी फोटोग्राफ्स, आपके वीडियोस जो भी हैं अगर वो लगता है आपको कि वो एडिटेबल हैं उनको रिमूव कर दीजिए, प्राइवेसी उसके अंदर लगाइए। प्राइवेसी अगर आप लगाएंगे, अगर आप उसके अंदर प्राइवेसी लगाएंगे तो हर एक आदमी आपके पोस्ट को नहीं देख पाएगा, जितने भी अनवांटेड लोग हैं अननोन लोग हैं उनको सबको अनफ्रेंड करिए, ठीक है। पासवर्ड बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, आपका जो पासवर्ड है वो 1234 ईजिली गेसेबल, सबसे 0000 पिन 0000 क्या है भाई, ठीक है, लिखा भी होता है और लिखा हुआ होता है, सबसे बड़ी चीज है लिखा हुआ है। आपके पास नंबर्स अल्फाबेट्स और सिंबल्स के मिक्सचर का होना चाहिए ना, एटलीस्ट 8 डिजिट का। हाँ नहीं वो तो होना ही चाहिए, वो तो आप मैं पिन की बात कर रहा हूँ, पिन जो है आपने उसी कार्ड के पीछे लिखा होता है। आप कहीं भी किसी भी जहाँ पर गार्ड नहीं है उस एटीएम में जाते हैं तो एक बार जरा थोड़ा सा उसको देख लीजिए भाई, थोड़ा सा हिला करके देख लीजिए, उसमें ऐसा तो नहीं कुछ लगा रखा ऊपर से, समझ रहे हैं बात को। उसके बाद पिन भी हम यूँ डालते हैं 1 2 3 4, कितना कठिन है गैस ही नहीं कर सकता कोई, ठीक है। जहाँ पर हम शॉपिंग करते हैं उसको हम कार्ड दे देते हैं। अब
वहाँ पर अगर उस बंदे ने यहाँ पर स्कीमर रखा है तो वो कार्ड आपसे लेगा, पहले आप स्वाइप करेगा, डेटा आ गया वहाँ। अब तो खैर और सिक्योरिटी फीचर्स वाले आ गए हैं, लेकिन अभी भी कई कार्ड्स ऐसे हैं। अब आपने उसको दे दिया, पेट्रोल पंप पे गए आपने वो दे दिया उसको, वो कार्ड जा करके वहाँ स्वाइप कर रहा है, पहले तीन बार यहाँ स्वाइप करा उसने, ठीक है। उसके बाद फिर वो जो पिन जो आपको दे रहा है, जो आप क्या कहते हैं मशीन जो है वो आपको सामने दे रहा है, तो आप पिन भी जो उसमें यूँ डाल रहे हैं, कई बार होता है भाई तू ही डाल दे, समझ रहे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो मेरा ये मानना है कि आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं। आप ये सिर्फ सूचना आप तक नहीं रहनी चाहिए, ये आप 10 लोगों के साथ शेयर करिए। हमारा पेज है, देखिए सोशल मीडिया का सदुपयोग भी है, अगर दुरुपयोग है तो सदुपयोग भी है, तो सदुपयोग करने के लिए सब चीज़ें बनी हैं। तो @ साइबर थाना उत्तराखंड पे जाइए, वहाँ पर हम जो है इससे अवेयरनेस से संबंधित जितने भी सामग्री हैं उसको हम लोग अपलोड करते हैं, वीडियोज़ अपलोड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जितने भी आपके लोग जानने वाले हैं आप उनको बताइए, जब व्हाट्सएप का गुड मॉर्निंग का मैसेज करते हैं उसकी जगह आप एक मैसेज ये करिए कि अपनी निजी जानकारी कभी किसी के साथ शेयर न करें। फेसबुक पे या कोई भी सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे कोई भी लिंक, अननोन लिंक को क्लिक मत करिए। आता है लिंक, इस मैसेज को 10 को भेजोगे तो चमत्कार हो जाएगा। कभी हुआ किसी के साथ चमत्कार? बिल्कुल हुआ, कई बार पैसे निकल गए अकाउंट से, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ, तो ये चमत्कार जो है सिर्फ उसके साथ होता है जिसने वो लिंक क्रिएट किया होता है। आपका डेटा आता है, फिर 10 लोग जो मांग रहे हैं बाबा जी को उनका डेटा जाता है, फिर 100 का जाता है, फिर 1000 का डाटा, फिर डेटा बैंक होता है, फिर वो एक किनारे से कॉलिंग स्टार्ट होती है, और फिर जो अवेयर नहीं होता वही फंसता है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी जानकारी कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। एंड ट्रीट योर टूथब्रश एज योर ट्रीट योर पासवर्ड एज योर टूथब्रश। हम नहीं करते ना किसी का शेयर, वही वाली बात है मैडम जो आप बात कर रही थी कि हम लोगों ने फेसबुक का जो है वहाँ तू चला लेना ना, अपलोड कर देना 4 फोटो। क्यों भाई, मेरा फेसबुक है, मैं नहीं जानता, मेरा फेसबुक तो सिर्फ मेरे परिवार के लिए है, मेरा जो रिश्तेदार है उनके लिए है कि मेरे घर में कोई चीज़ हुई तो उनको बॉम्बे में पता चल गया। अब मुझे दुनिया से क्या मतलब है, लाइक नहीं लग रहा मैं कोई, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप इनको जानकारी रखेंगे, कम्युनिकेशन आपका स्ट्रेंजर्स के साथ कभी भी ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। कहाँ कौन किस रूप में बैठा है आपको नहीं पता, तो फिर वही जो मैं टैगलाइन जो बोलता हूँ आप मेरे साथ बोल दीजिए, ट्रस्ट नथिंग वेरीफाई एवरीथिंग। बिल्कुल सही कहा, ट्रस्ट नथिंग वेरीफाई एवरीथिंग। साइबर क्राइम को रोकना है तो प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, अवेयरनेस एक दूसरे के साथ शेयर करनी पड़ेगी। जब हम गुड मॉर्निंग मैसेज देते हैं, जैसे कि मिस्टर थबलियाल ने कहा गुड मॉर्निंग मैसेज करते हैं जय श्री राम या वगैरह वगैरह, तो उसमें एक छोटी सी लाइन ये भी देनी पड़ेगी कि प्रिकॉशन लेना है जब भी आप सोशल मीडिया पे रहते हैं, नेवर शेयर योर पासवर्ड्स एंड पर्सनल, यानी कि प्राइवेसी कभी भी शेयर नहीं करनी है। प्राइवेसी का मतलब होता है प्राइवेट, आप तक ही रहना चाहिए। तो साइबर क्राइम को रोकना और सोशल मीडिया पे अपने आप को बचाए रखने के लिए, जैसा कि आज के प्रोग्राम में डिस्कस हुआ, लोगों ने ये बात कही कि उनके साथ जो परेशानी थी, मिस्टर थपलियाल और प्रिंसिपल मिस्टर अजय लाल जी ने ये कहा कि यदि हम प्रिकॉशन लेंगे तो इस समस्या से बच सकते हैं। आज के इस एपिसोड में एजुकेशन प्लस के प्रोग्राम में आज इस मुद्दे पे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम यहीं पे आप पे छोड़ते हैं, इस आशा के साथ कि आप सिक्योरिटी यानी कि अपनी प्राइवेसी को बरकरार रखेंगे और साइबर क्राइम से बचे रहेंगे। और यदि कोई परेशानी होती है तो साइबर थाना उत्तराखंड में रिपोर्ट करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। आज इस टॉपिक के साथ यहीं पे समाप्ति, और अगले टॉपिक के साथ अगले प्रोग्राम में नए एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।